अध्यक्ष जी, कोषाध्यक्ष जी, हमारे पार्षद अजय भाई, राकेश जायसवाल जी, हमारे क्षेत्र के पार्षद, तमाम अपने नौजवान साथियों और दोस्तों, काशी में पहले तो आपको बधाई है, धन्यवाद। आज के कार्यक्रम के बारे में क्या कहना है? वैष्णवी महिला सेवा समिति के इस कार्यक्रम होली मिलन में बहन लीला भारद्वाज, जिनकी संस्था का काम ही विधवा महिलाओं के लिए काम करना, उनके जीवन के उत्थान के लिए काम करना, वैक्सीनेशन का काम कोरोना के इस काल में इनकी संस्था ने, इसके लिए माननीय मोदी जी ने भी इनको सम्मानित किया। और मोतियाबिंद, आपको पता है कि आंखों में मोतियाबिंद का ऑपरेशन कितना कठिन होता है किसी गरीब आदमी के लिए, वैसे हज़ारों हज़ार लोगों के लिए मोतियाबिंद के फ्री कैंप का आयोजन इनके संस्था के द्वारा किया गया है। तो ऐसे में आज के इनके कार्यक्रम में आकर कहीं न कहीं से बहुत खुशी हो रही है। गुरु जी, आपको जो पद मिला है उससे काशी की जनता बहुत खुश है, क्या कहना चाहेंगे उसके? निश्चित ही खुशी होगी, इसलिए कि मैं उनका भाई हूँ, उनका बेटा हूँ, उन्हीं के साथ पला बढ़ा हूँ, उन्हीं के साथ काशी में रह के जी रहा हूँ, पार्टी की सेवा कर रहा हूँ, पार्टी का एक सिपाही हूँ, तो निश्चित ही पार्टी के लोगों को और काशी के लोगों को खुशी होगी। क्या विशेष कुछ करने वाले हैं काशी की जनता के लिए? एक तो विभाग की जिम्मेदारियां जो मिली हैं, जो मंत्रालय मिला है, उसका काम करना है, और उसके साथ साथ काशी में तो अपने आप, आपको पता है कि माननीय मोदी जी जब से यहाँ के हमारे सांसद हुए हैं, काशी में विकास की गंगा बह रही है, विकास के तमाम काम, एक एक कार्यकर्ता होने के नाते जो भी बन सकेगा काशी में, काशी के लिए तो हम सब लोग एक टुकड़े के बराबर हैं भगवान शंकर के, तो ऐसे ही काम करना है काशी में।